सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। नीचे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है, जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। फ़ोटो लेने के बाद एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। यहाँ पर गाइस, अब क्या करना है, आपको ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज़ लगा देना है। अगर आपका फ़ोटो स्क्रीन पे फुल साइज़ में नहीं होता है तो आप जूम वगैरह करके फुल साइज़ में कर लेना है। यहाँ पर गाइस, आपको फिर अपने फ़ोटो की लेंथ को बड़ा करना है। कितना बड़ा करोगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को करना है 12.50। तो जैसे 12.50 कर लिया, साइड में टच करके ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले आपको ये वाले फ़ोटो की वीडियो बनाकर सेव कर लेनी है। अगर आप पहले फ़ोटो की वीडियो बनाकर सेव नहीं करते हो सकता है गाइस आपकी वीडियो में स्प्लिट ना हो। फिर आपको एक बार बैक करना है। यहाँ पर आपको बड़े वाले प्लस पे क्लिक करके, वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करके, जो वीडियो गाइस आपने सेव करी आपको उसी को लेना है। फर्स्ट में आपकी फ़ोटो रहेगी, उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है, और गाइस यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अगर आपसे म्यूज़िक डाउनलोड नहीं होता है तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जिस वीडियो में मैंने बताया कि आप आसानी से म्यूज़िक डाउनलोड कैसे कर सकते हो। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। फिर आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये 13 बीट्स लगा लेनी है। 13 बीट्स लगा लोगे आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। बीट गाइस आपको किस टाइम पर लगानी है ये भी गाइस मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। बीट लगाने के बाद आपको राइट कर देना है। अभी गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट पर टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है। सेकेंड पर टच करना है, स्प्लिट करना है। थर्ड पर टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी गाइस आपने जितनी बीट लगाई हैं आपको सब बीट पर टच करके अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको शुरू में आ जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला फ़ोटो छोड़ देना है, सेकंड छोड़ देना है। आपको थर्ड नंबर के फ़ोटो पर आना है। वीडियो के लेयर को दो फिंगर से फुल जूम कर लेना है। फुल जूम करने के बाद आपको थर्ड नंबर के फ़ोटो के शुरू में आ जाना है। नीचे स्प्लिट का ऑप्शन है, इस तरीके से आगे चलोगे स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, इस तरीके स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट कर देना है। इसी तरीके से गाइस आपको ये बारीक बारीक स्प्लिट लगा लेने हैं, थर्ड नंबर के फ़ोटो में और फोर्थ नंबर के। इन दोनों फ़ोटो में आप स्प्लिट लगा लोगे, आपकी वीडियो बहुत आसानी से बन जाएगी। स्प्लिट लगाने के बाद आपको इफेक्ट वगैरह लगाने हैं। इफेक्ट वगैरह आप कौन से लगाओगे, एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख लिया गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट वगैरह लगाने हैं। इससे गाइस आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। बस गाइस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। सो गाइस, जैसे ये वाली वीडियो मैंने बना के रख ली है, मैं आपको यहाँ पर इफेक्ट वगैरह बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से कहाँ पर लगाने हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में आना है। नीचे आपको इफेक्ट्स मिलेगा। इफेक्ट्स में आने के बाद फर्स्ट वाले फ़ोटो में आपको फर्स्ट वाला इफेक्ट लगाना है, ब्लैक वाला, और इसका ग्रीन बॉर्डर फुल कर देना है। नीचे जो लाइन आ रही है पीरियड की, आपको इसे भी फुल कर देना है। फर्स्ट वाले फ़ोटो में ये हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, आपको फाइव नंबर के फ़ोटो पर आना है, जो स्प्लिट फ़ोटो के बाद है, जो आपने स्प्लिट करोगे बारीक बारीक, उनके बाद जो फाइव नंबर का फ़ोटो आएगा, फाइव नंबर की फ़ोटो पर क्लिक करके नीचे इफेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है जिटर डाउन। जब आप यह जिटर डाउन लगाओगे तो जितने भी एंड के फ़ोटोस आएंगे फाइव के बाद, सब में आपको जिटर डाउन वगैरह लगाने हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस आपको जूम आउट वगैरह कौन से फ़ोटो में लगाना है, कौन से फ़ोटो पर। नीचे आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट वाले फ़ोटो में आपको मूव राइट लगाना है इसमें से, सेकंड फ़ोटो में गाइस आपको इसमें से लगाना है मूव अप, ठीक है। इतना हो गया, दो इफेक्ट हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको बारीक वाले फ़ोटोज़ में क्या करना है। सबसे पहले सेकंड वाले फ़ोटो पर आना है, नीचे आपको मिरर का ऑप्शन मिलेगा, सेकंड वाला फ़ोटो आपको मिरर कर देना है। अब यहाँ पर आपके बारीक वाले फ़ोटोज़ आ गए, तो आपको ये बहुत बारीकी से समझने का इसमें आपको क्या करना है, तभी आप सेम वीडियो बना पाओगे। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर दो फ़ोटो आपको नॉर्मल रखने हैं, जिसमें से सेकंड वाला फ़ोटो आपको थोड़ा सा जूम कर देना है स्क्रीन पर टच करके, ठीक है। फिर आपको दो फ़ोटो मिरर करने हैं, मिरर का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा आपको, देखिए आप, जिसमें से सेकंड वाला फ़ोटो जूम है। फिर से आपको दो फ़ोटो नॉर्मल रखने हैं, जिसमें से सेकंड वाला जूम। फिर से आपको दो फ़ोटो मिरर करने हैं, जिसमें से सेकंड वाला जूम। आपको यही करना है थर्ड नंबर के फ़ोटो में। अब आता है आपका फोर नंबर का फ़ोटो, इसमें क्या करना है आपको, देखिए, एक फ़ोटो नॉर्मल, एक फ़ोटो थोड़ा जूम, एक फ़ोटो थोड़ा इससे ज़्यादा जूम, फिर एक नॉर्मल, एक थोड़ा जूम, एक थोड़ा ज़्यादा जूम, एक नॉर्मल, एक थोड़ा जूम, एक थोड़ा ज़्यादा जूम। आपको यही करना है फोर नंबर के फ़ोटो में। फाइव नंबर का छोड़कर सिक्स को मिरर करना है, सेवन छोड़कर एट को मिरर करना है, नाइन छोड़कर टेन को मिरर करना है, ठीक है, इलेवन छोड़कर ट्वेल्व को मिरर करना है। जो फ़ोटो मिरर करोगे आपको उस फ़ोटो को जूम भी कर देना है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल इतना बड़ा है, तो जो फ़ोटो आपने मिरर करोगे ना, ये वाले बड़े वाले, उन्हें आपको थोड़ा सा जूम भी कर देना है स्क्रीन पर टच करके। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको प्लस वाले इफेक्ट बता देता हूँ आपको किस टाइम पर लगाने हैं। तो जैसे फर्स्ट में प्लस आ रहा है, इसे छोड़ देना है। सेकंड नंबर के प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लगाना है शेक वन वाला, शेक वन पर आपको एक बार टैप करना है सेकंड प्लस पे। आगे चलोगे बीट स्प्लिट वाले फ़ोटो के बाद में आएगा आपका थर्ड नंबर का प्लस, इसमें भी आपको शेक वन लगाना है। यहाँ पर दिखा देता हूँ शेक वन, ठीक है। फोर नंबर के प्लस में आपको ये वाला लगाना है गाइस, जूम वन पे एक बार टैप करना है। फोर नंबर के प्लस पे जूम वन पे एक बार टैप करना है। फाइव नंबर के प्लस पे शेक वन, फिर से आपको जूम वन पे एक बार टैप करना है सिक्स नंबर के प्लस पे। सेवन नंबर के प्लस पे शेक वन, एट नंबर के प्लस पे जूम वन, नाइन नंबर पे प्लस पे शेक वन, टेन नंबर के प्लस पे जूम वन, ठीक है। आपको यही दो इफेक्ट लगाने हैं एक के बाद एक। अब यहाँ पर मैं आपको बीट टाइम और बता देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, देखकर अपने म्यूज़िक में बीट्स लगा लेना। गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी, यहाँ पर देखिए टाइम आ रहा है 1.69 पर, सेकंड बीट 3.40 पर, थर्ड बीट 4.83 पर, फोर बीट 6.03 पर, फाइव बीट 6.66 पर, सिक्स बीट 7.34 पर, सेवन बीट 7.96 पर, एट बीट 8.67 पर, नाइन बीट 9.28 पर, टेन बीट 9.90 पर, 11 बीट 10.57 पर, 12 बीट 11.23 पर, 13 बीट 11.87 पर। यह आपको 13 बीट लगा लेनी है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज़ रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।